झारखंड में बच्चा चोरी को लेकर लगातार भीड़ द्वारा कानून हाथ में लेने के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। गिरिडीह जिले में एक नया मामला सामने आया है, जहां बच्चा चोरी के आरोप में भीड़ ने महिला की पिटाई कर दी। पिटाई करने के दौरान महिला को बंधक भी बना लिया। ये घटना उस समय हुई जब एक महिला अपने बच्चे के साथ पैसे निकालने के लिए बैंक गई थी। वहीं इस मामले की सूचना पर महिला को बचाने पहुंची पुलिस भी पथराव का शिकार हुई। पथराव से पुलिस की गाड़ी का शीशा भी टूट गया, जिसके बाद काफी मशक्कत कर पुलिस ने भीड़ के चंगुल से उस महिला को बचाया। पुलिस ने बताया कि ये घटना केवल गलतफहमी के आधार पर हुई है और इस मामले की जांच की जा रही है। माँ अंदर में गई थी बैंक में पैसा निकालने के लिए, उसका बच्चा बाहर में रो रहा था। एक महिला फिर पैसा निकालने वाली ही थी जो कि उसके बच्चा को खिला रही थी बाहर, लेकिन कुछ गलतफहमी होने के कारण लोग उसको थोड़ा मारपीट किए। तुरंत पुलिस आई और रिकवर करके उसको थाना ले गई। थोड़ा लोगों के द्वारा मारपीट किया गया है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो लोग भी होंगे इसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे। पुलिस पर भी क्या पथराव की गई थी? नहीं, दो चार पत्थर लोगों ने चलाया था उस महिला को, जैसे पुलिस ने रिकवर किया। वहीं जब आरोप लगाने वाली महिला ललिता देवी को थाना लाकर पूछताछ की गई, तो उसने कहा कि उससे गलती हो गई। चंद मिनट के लिए बच्चे को नहीं देखकर वो परेशान हो गई थी। वहीं जब बच्चा दूसरी महिला की गोद में देखा तो उसे लगा कि उसके बच्चे को उठाकर उप महिला ले जा रही है। इसी गलतफहमी की वजह से ये घटना हुई। न्यूज डेस्क।